उसके लाल चेहरे को देखकर अजय की आंखों को झटका लगा। उसके पिछले क्वेश्चन का आंसर दिए बिना उसने अपना राइट हाथ बढ़ाया और उसके लेफ्ट गाल को टच किया। उसके टच से अंजलि कांप गई। वो दूर जाना चाहती थी, बट ने उसे अपनी सागर जैसी नीली आंखों से हिप्नोटाइज कर दिया, इसलिए वो खुद को अजय से दूर नहीं कर पाई। अजय खुद को उसके पास ले आया, क्योंकि वे अभी भी एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। वे लोग सब कुछ भूल गए जो उनके आसपास चल रहा था। वो ये भी भूल गए थे कि वे कार में थे और उनके सामने और दो लोग थे। धीरे धीरे अजय ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसे उसके सिर के पीछे रखा, फिर उसे अपने पास खींच लिया। जब उनके चेहरे बहुत पास थे तो वो एक दूसरे की सांसों को फील कर रहे थे। अजय ने आगे बढ़ते हुए अपने होठों से उसके होठों को टच किया। अंजलि सांस लेना ही भूल गई जब अजय ने अपना चेहरा उसकी दाईं ओर किया। वे एक दूसरे के इतने पास थे कि उसके होंठ अंजलि की गर्दन को छू रहे थे। वो उसकी वैनिला जैसी खुशबू को सूंघ सकता था। वो दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत धीरे से उसके बालों को इकट्ठा किया और उन्हें क्लिप से बांध दिया। अंजलि के लिए ये एक बहुत लंबी फीलिंग थी, लेकिन अजय के लिए ये एक सेकंड की तरह था। शांत होकर वो दूर हो गया और उसकी ओर देखा। उनके बीच थोड़ी भी जगह नहीं थी, जैसा कि उनकी आंखें एक दूसरे पर थी। वे ना तो ब्लिंक कर रहे थे और ना ही दूसरी तरफ देख रहे थे। जब वो इस तरह से रोमांटिक होकर एक दूसरे को देख रहे थे, विवेक और जय बुरे हाल में थे। रेयर व्यू मिरर में वे दोनों अपने बॉस और उनकी वाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। वे सांस लेना भूल गए। वे हिलने से भी डर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो थोड़ी भी आवाज करते हैं तो ये उनके बॉस को डिस्टर्ब होगा। वो रोना चाहते थे और कहते थे, बॉस प्लीज हमें अपने इस प्यार से बख्श दो, हम इसे और नहीं सहन कर सकते। जय को लगा जैसे वो नरक में था। बॉस क्या बालों को बांधने में 3 मिनट लगते हैं? आज दूसरी बार उसे लगा कि ये आदमी उनका बॉस नहीं है। उसने रेयर व्यू मिरर से देखा और उसकी आंखें फ्लाइंग फुटबॉल से भी बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, वो किस करने वाले हैं, वो किस करने वाले हैं? जय का दिल फटने वाला था। विवेक इतना घबरा गया था कि वो गाड़ी एफिल टावर से आगे ले गया और उसे रियलाइज ही नहीं हुआ वो जय था जिसने फेमस एफिल टावर को देखा था। एफिल टावर को अपने पास से निकलते देख उसने विवेक के हाथ को पकड़ लिया। जय विवेक का हाथ एक्साइटेड होकर बहुत तेज पकड़ लेता है। विवेक को अपने हाथ में अचानक दर्द होता है, इसलिए उसने तुरंत कार रोक दी, जिससे उनके पीछे बैठे लोगों को भी झटका लगा। जैसे ही विवेक ने कार रोकी, वो समझ गया कि उसने क्या किया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रेयर व्यू मिरर से देखने की। बॉस हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जय ने ऐसा बोलकर उसे बचा लिया। अंजलि उन सब में से पतली और हल्की थी, इसलिए अचानक ब्रेक लगने से वो ऑलमोस्ट कार से गिर ही गई थी। अगर अजय ने उसे सही टाइम पर पकड़ा ना होता तो उसे सिर पर चोट लग जाती। अजय सच में उस टाइम विवेक को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने लड़की को अपने गले लगे देखा तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। उसके कंट्रोल करने के 2 रीजन थे। सबसे पहले वो उसे डराना नहीं चाहता था, दूसरा वो सच में उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन विवेक की वजह से उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। बेशक दूसरा रीजन असली था, इसलिए अजय ने चुपचाप दोनों को एक मार डालने वाली नजर से देखा
और फिर उस लड़की को अपनी बाहों में देखा। उसने उसे हल्के से हाथ लगाया और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जब उसने जवाब में सिर हिलाया तो उसने धीरे से कहा, चलो बाहर चलते हैं। अंजलि उससे दूर हो गई। उसे अजय को देखने में भी शर्म आ रही थी। जब उसे अजय ने टाइट हग किया था तो वो उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी और साथ ही वो उसकी मस्कुलर बॉडी को फील कर सकती थी। अंजलि उस पल को भूल जाना चाहती थी। जैसे ही उसने विंडो के बाहर देखा तो सरप्राइज से उसकी आंखें खुली रह गई। अंजलि को किसी ने नहीं बताया कि एफिल टावर में उसका स्पेशल अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो जो देख रही थी उसे देखकर हैरान रह गई। सिटी ऑफ लाइट में एफिल टावर को देखना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सीन होता है। जैसे ही रात हो गई, टावर ने एक सुनहरी चमक ले ली। 300 से ज्यादा स्पॉटलाइट्स उसी तरफ से चमक रही थी। अंजलि इस तरह के सुंदर व्यू को देखकर हैरान हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो घुटन फील कर रही थी और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपनी सांस रोक रखी है। अंजलि को इस तरह से देखकर अजय प्यार से मुस्कुराया। उसने उसे कुछ मिनटों के लिए टावर को देखने दिया, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जब अंजलि को एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही है और उसके साथ में कोई है, उसने उससे कहा, हर शाम एफिल टावर ऐसे ही गोल्डन कलर में सजा होता है और हर घंटे 5 मिनट तक स्पार्कल्स होते हैं और इसकी लाइट से पूरा पेरिस चमकता है। ये बहुत सुंदर है। जैसे जैसे टावर पर रोशनी नाच रही थी, अंजलि की आंखें भी चमक रही थी। 5 मिनट के बाद जब रोशनी खत्म हो गई थी, अजय ने धीरे से कहा, लंच के बाद तुमने कुछ नहीं खाया, तुमको भूख लगी होगी, चलो। अंजलि को इतनी भूख नहीं थी, हालांकि उसे समझ आ गया कि अजय को ये सब खुद पता चल गया तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने कोई कमेंट नहीं किया। जब अजय ने उसका हाथ पकड़ा, उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और उसके साथ टावर की ओर चली गई। उन्होंने अपने टिकट दिखाए और ऊपर चले गए। जब वे सीढ़ियों पर चढ़े तो उसने जो व्यू देखा वो देखकर हैरान रह गई। एफिल टावर के अंदर रेस्टोरेंट, बार, स्टोर और यहाँ तक कि सैलून भी थे। आज का दिन उसके लिए सच में शॉकिंग था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आज क्या देखा, सब कुछ उसे स्पीचलेस कर गया। इससे पहले कि वो रेस्टोरेंट में एंटर करते, अंजलि ने अजय को रोका। अजय ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, चलो पहले व्यू देखते हैं, उसने सजेस्ट किया। अजय ने पूछा, क्या तुमको भूख नहीं लगी है? वो बहुत टेंशन में था कि उसको बहुत भूख लगी होगी और हो सकता है कि वो उस व्यू को अच्छे से एंजॉय ना कर पाए, इसलिए उसने पहले उसे रेस्टोरेंट में ले जाने का प्लान किया। हालांकि अंजलि अपनी भूख को फील करने के लिए एक्साइटेड थी। मॉल में उसने एक छोटी सी डार्क चॉकलेट बार खा ली जो जय ने उसे वहां से खरीद कर दी थी, इसलिए वो भूखी नहीं थी। वो पहले पेरिस की रात को अब्सॉर्ब करना चाहती थी। आप टेंशन मत लो, मुझे भूख नहीं लगी है, आओ पहले व्यू देखते हैं, उसने उसका हाथ खींच लिया। उसे अपने आसपास इतना रिलैक्स और मस्ती करते हुए देखकर अजय का दिल भर गया। उसने धीरे से उसके सिर को थपथपाया और कहते हुए अचानक झुक गया, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी प्रिंसेस। उसके ड्रामा को देखकर अंजलि को शर्म आ गई। उसने चुपचाप अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अजय ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर चला गया। जब वे टॉप पर पहुंचे तो अंजलि को थकान नहीं हुई, इसके उलट जितने स्टेप वो ले रहे थे वो और एनर्जेटिक हो रही थी। उसने रेलिंग से खड़े होकर पूरे शहर को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने झिलमिलाती सुंदरता को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की। अंजलि चमकती हुई ब्यूटी को डिस्टर्ब करने से डर रही थी, इसलिए उसने धीरे से कहा,
ओह माय गॉड, ये बहुत सुंदर है। फ्रांस की शाइनिंग गोल्डन सिटी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। कई विजिटर भी सिटी के शानदार व्यू को एंजॉय कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने अपने पास खड़े स्टनिंग कपल को देखा तो वे हैरान रह गए। कुछ लड़कियां गॉसिप करने लगी, ये लड़का बहुत हैंडसम है, मैं अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकती। सपनों से बाहर आओ, वो पहले से ही किसी और का है, देखो उन्हें, वो बहुत करीब हैं। क्या उस लड़की ने एंड्रिया और लियो का गाउन पहना है? हाँ वही है, लड़का बहुत रिच है यार, ये लड़की बहुत लकी है। अंजलि व्यू देखने में कुछ भी नहीं सुना जो उन्होंने कहा, लेकिन अजय ने हर शब्द को सुना और थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने उन गॉसिप गर्ल्स को गुस्से से देखा। उसके गुस्से को देखते हुए गॉसिप गर्ल्स की बोलती बंद हो गई और वो वहां से भाग गई। 30 मिनट बाद अजय उसे 58 टूर एफएल में ले गया। उनकी टेबल को कोने में अरेंज किया गया था, वहां से किसी को भी सिटी ऑफ लाइट दिखाई देती। अंजलि ने खुद को अब और सरप्राइज नहीं होने के लिए फोर्स किया। टेबल को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और 3 कैंडल की रोशनी थी और कैंडल स्टैंड एंटीक था। टेबल पर चारों ओर रेड रोज की पेटल्स फैली हुई थी। ये बहुत ही रोमांटिक व्यू था। उनके आसपास बहुत कम लोग बैठे थे। कुछ आदमी अंजलि को हैरानी से देख रहे थे और कुछ लड़कियों ने उसे जेलिसी से देखा। ऐसा ही कुछ अजय के साथ हुआ। जो लड़कियां वहां मौजूद थी वे लालच में थी और आदमियों ने उसे लकी कहा। हालांकि किसी ने भी इस पावरफुल आदमी को उसकी लो प्रोफाइल की वजह से पहचाना नहीं। अजय ने उसके लिए चेयर को पकड़ा। उसके बैठने के बाद अजय भी बैठ गया। उसने पहले से ही दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, इसलिए 10 मिनट के अंदर स्टार्टर सर्व हो गए। जब अजय ने पहली बार उसे मीना आंटी के खाने को खाते हुए देखा तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़े वो बता सकता था कि वो एक फूड लवर है। उसने मीठे और स्पाइसी खाने पर ज्यादा अटेंशन दिया, इसलिए उसने सभी डिलीशियस खाने का ऑर्डर दिया जो वो खाना पसंद करेगी। उन्होंने धीरे धीरे अपना खाना फिनिश किया और एक ग्लास रेड वाइन पीने के बाद अंजलि को चक्कर आ रहा था। उसने बोतल को देखा और पूछा, इस वाइन का नाम क्या है? अजय ने अपने ग्लास से सिप लिया और कहा, इसे चेट्टू माउंटेन रोथस्चाइल्ड कहा जाता है, ये पोईलैक की रेड वाइन है। अंजलि ने उसे देखा, पोईलैक, क्या वो शहर है? अजय ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, पोईलैक एक वाइन उगाने का कम्यून है, या तुम कह सकती हो कि म्यूनिसिपैलिटी और ब्रॉडा में हॉट मेदोक के भीतर अपीलिया डियोरोगिन कंट्रोली पोईलैक के छोटे शहर में है। वो थोड़ा रुका और फिर उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। और अगर मैं तुमको डिटेल्स बताता हूँ तो तुम वैसे भी कुछ नहीं सुनोगी इस टाइम। उसने उस लड़की को देखा जो पहले से ही सपनों की दुनिया में थी। अजय ने बिल पे किया और उठ खड़ा हुआ। वो उसके पास गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपना पहला डेटिंग स्पॉट छोड़ दिया। जब अजय अपने रोमांटिक डिनर को एंजॉय कर रहा था तो मेड सविता एक टफ टाइम स्पेंड कर रही थी। इस हवेली में हर मेड शांत और पेशेंट थी। सविता उनसे अलग नहीं थी, लेकिन निशा उससे कई बार उसकी मैडम के बारे में पूछ चुकी थी। उसने पोलाइटली जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इस बारे में बात करने की परमिशन नहीं है, तो वो उससे क्यों पूछ रही हैं? लेकिन निशा उससे पूछती रही। प्रेम को शाम को उससे मिलने जाना था, लेकिन वो नहीं आया और उसने एक मैसेज भी नहीं छोड़ा। उसने फोन भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसकी फ्लाइट आधी रात को थी, लेकिन उसे अभी तक उस मिस्टीरियस कॉलेज गर्ल के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो सच में नाराज थी। जब सविता का पेशेंस खत्म होने लगा तो प्रेम उसे बचाने के लिए आया। सविता ने राहत की सांस ली और प्रेम के सामने झुकी और फिर जल्दी से वहां से चली गई।
जिस तरह से वो जल्दी में वहां से चली गई, उसे देखकर प्रेम सिचुएशन को समझ गया। उसने सांस ली और निशा को देखा। उसने अपना मुंह खोला। तुमने उसे काफी परेशान कर दिया। निशा ने उसे देखा। मैंने नहीं, वो ही थी जिसने मेरे ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। प्रेम ने अपना सिर हिलाया। तुम उसकी बॉस नहीं हो, वो तुम्हारी एक गेस्ट के रूप में सर्विस कर रही है। आप उसके लिए रूड नहीं बन सकती। इतने खराब काम मत करो, तुम अब बच्ची नहीं हो। फिर उसने टाइम देखा और कहा, ये तुम्हारे डिपार्चर का टाइम है, चलो चले। निशा ने कहा, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? तुमने अपने फोन का जवाब नहीं दिया। प्रेम ने उसका सामान लिया और उसे जवाब दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद एम्प्लॉय ने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे रेस्टोरेंट में ले गए। हर कोई इस मीटिंग के लिए हार्ड वर्क कर रहा था, इसलिए जब ये फिनिश हो गई तो वे मुझे सेलिब्रेट करने के लिए ले गए। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि मेरी एक दोस्त से मीटिंग है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और वो देख रहा था कि निशा ने कुछ और नहीं पूछा। जब वे बाहर आए तो निशा ये देखकर हैरान रह गई कि ना तो अजय की कोई कार थी और ना ही कोई ड्राइवर। ये प्रेम की ब्लू स्पोर्ट कार थी। उसने अपने दोस्त की ओर देखा। प्रेम, अजय अभी तक नहीं आया? प्रेम उसका सामान ट्रंक में डालने में बिजी था, इसलिए वह उसकी आवाज में निराशा को नहीं पकड़ पाया। प्रेम एक इंटेलिजेंट आदमी था। उसने हमेशा अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा है। हालांकि वो निशा मेहरा से प्यार करता था और वो दोनों राजीव के दोस्त थे, और उसने कभी भी राजीव या अजय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। जिंदल फैमिली के लिए वो सिर्फ एक आउटसाइडर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजीव को कितना पसंद करती थी, ये सिर्फ उसकी फीलिंग्स थी। अजय ने अपने परिवार में उसकी एग्जिस्टेंस को अनाउंस नहीं किया था, इसलिए प्रेम सिर्फ इस फैक्ट को छिपा सकता था। जब दुनिया को इस पेयर के बारे में पता चलेगा तो निशा को भी उनके बारे में पता चल जाएगा। प्रेम ने ट्रंक को बंद कर दिया और फिर उसकी तरफ देखा। उसने जवाब दिया, बॉस के पास बहुत काम है, वो बहुत बिजी इंसान है। तुम बिजनेस का मीनिंग जानती हो, है ना? ऑफ कोर्स। निशा को पता था, उसे आदत थी बिना आराम के दिन रात काम करने की। उसने अजय के बारे में कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे ही प्रेम ने उसके लिए दरवाजा खोला, वो अंदर आ गई और प्रेम ने ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। वो गाड़ी में चल दिए। निशा तब तक हवेली को देख रही थी जब तक कि वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गई। रोड पर उसने कॉलेज की लड़की के बारे में पूछा और प्रेम ने उसे क्लियरली कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसके दिल के अंदर शक मजबूत हो गया। हर कोई हैरानी से जिंदल कपल को देख रहा था और लड़कियों के दिल में जलन भरी हुई थी, क्योंकि अजय ने एक प्रिंसेस की तरह अंजलि को उठा रखा था। उसने जय को पहले ही बुला लिया, इसलिए जैसे ही वो सड़क के किनारे आए, विवेक उसके पास कार ले आया और जय जल्दी से बाहर आया और अजय के लिए दरवाजा खोल दिया। अजय ने ध्यान से उसे कार में बैठाया। वो आराम से बैठ गया और धीरे से उसे गले लगाया। जय और विवेक एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो दर्द में हों। जल्द ही वे जिंदल हवेली पहुंचे। उनका वेलकम कुक श्याम ने किया। 68 साल के इस कुक को हार्ट अटैक होने वाला था जब उसने देखा कि उसके सर ने मैडम को उठा रखा है। वो पैनिक हो गया जब उसने अंजलि को उसकी बाहों में लेटा हुआ देखा, लेकिन तब अजय ने उसे आवाज ना करने के लिए कहा। जब कुक श्याम को फील हुआ कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो केवल सो रही है, उन्होंने राहत की सांस ली। कुक श्याम ये भी कहना चाहते थे कि निशा मेहरा असिस्टेंट प्रेम के साथ चली गई हैं, लेकिन वो उन्हें अभी परेशान नहीं करना चाहते थे। वो ये बात अगली सुबह भी उसे बता सकते हैं। अजय चुपचाप उसे उसके बेडरूम में ले गया। उसने उसे बेड पर लिटा दिया, लेकिन जब उसने पीछे हटने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाया।
अंजलि की बाहें उसके गले में थीं और उन्होंने उसे जाने नहीं देने का वादा किया। अजय ने उसकी बाहों को उससे दूर करने के लिए बहुत ट्राई किया, बट जितना वो ट्राई करता उतनी उसकी बाहें उसके चारों ओर टाइट हो गई। जब वो जागने लगी तो उसने ट्राई करना छोड़ दिया। अजय के लिए अपने जूते उतारना आसान नहीं था, जबकि उनका चेहरा उनके करीब था। फिर उसने ध्यान से अपना कोट और जूते उतार दिए और अपने बिस्तर पर चढ़ गया। उसे अब इसकी आदत हो गई थी। अजय ने खुद को उसके लवर के रूप में देखा। अंजलि अभी भी उसके गले लगी हुई थी। अजय ने उसकी बॉडी की पोजीशन ऐसे की कि अगर वो उठे तो उसकी बॉडी में पेन ना हो। उसने छत की तरफ देखा और अपने बाएं हाथ से उसके सिर को धीरे से थपथपाया और राइट हाथ से उसे गले लगाया। अंजलि की सॉफ्ट वार्म बॉडी उसकी बॉडी को टच कर रही थी। उसकी बाहें उसके सिर के ऊपर थी और इसलिए उनकी बॉडी एक दूसरे को टच कर रही थी। इसके अलावा वो डिफेंसलेस थी। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और कल की तरह अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश की। हालांकि उसकी नाक ने उसे धोखा दिया। उसने महसूस किया कि उसकी वेनिला सेंट नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसका दिल भाग रहा था। वो फील कर सकता था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उसकी बॉडी उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। जैसे ही वो अपना कंट्रोल खोने वाला था तो अंजलि थोड़ा सा मूव हुई। अजय की पूरी बॉडी जम गई। अगर वो अभी जाग गई तो इससे आगे सोचने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हालांकि अंजलि ने जो किया वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, अजय के लिए भी। उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन से निकाल लिया। इससे पहले कि अजय उसके टच को याद कर सके उसने उसकी बॉडी को गले लगा लिया। अंजलि ने स्माइल की और अपने राइट गाल को चेस्ट पर रख दिया। उसने नींद की आवाज में कहा, अज्जू अज्जू यहीं रहो। अजय उसकी अचानक क्यूटनेस और रिक्वेस्ट से इतना दंग रह गया कि वो थोड़ी देर के लिए सांस लेना भूल गया। उसके दिल ने पिघलना शुरू कर दिया। फिर उसकी नजरें नर्म हो गई और उसने अपनी बॉडी को आराम दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या उससे प्यार ना करने का कोई कारण है? कोई कारण नहीं है, उसके दिल ने उसके लिए खुद ही जवाब दे दिया। जबकि अजय दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट था, उसका पूरा शरीर और आत्मा उसके सामने नर्म हो गई। वो चाहता था कि वो लंबे टाइम तक ऐसे ही रहे। अजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों को छू गई। शर्मा मेंशन, सोफे पर बैठे बैठे वो थक गया था। उसने अपनी आंखों के बीच के एरिया को पिंच किया। उसने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। उसने एक बच्चे को रोते और चिल्लाते हुए सुना। उसकी आंखें खुली। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आग में तेल डाला हो। उसने फोर्सफुली जोर से दरवाजा खोला। तेज आवाज ने नौकरानी और 2 साल के बच्चे को डरा दिया। बच्चे के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ अब यहां से। उसने फिर से दरवाजा जोर से बंद किया। बच्चा रोने से भी डर रहा था। वो कांप रहा था। उसकी माँ घर पर नहीं थी और उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसके पिता ने उसे कभी अपनी गोद में नहीं लिया और ना ही कभी उसके साथ खेला। 9 महीने पहले एक बार उसके पिता ने उससे बात की थी। बच्चे की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने नौकरानी को गले लगाया। नौकरानी भी डर से कांप रही थी। उसने बच्चे को टाइट गले लगा लिया। मैडम और दूसरे बॉस कहाँ हैं? नौकरानी भी बच्चे के साथ रोना चाहती थी। उसने अपनी बाहों में बच्चे को शांत करने की कोशिश की। वंश सर, प्लीज रोना बंद कर दो,
जब आपकी माँ शॉपिंग से आएंगी तो वो आपको गले लगाएंगी और दूसरे बॉस ऑफिस से आने के बाद आपके साथ खेलेंगे। चलिए आपको प्ले हाउस में ले चलते हैं। नौकरानी वंश को प्ले हाउस में ले गई, जो उसके दूसरे चाचा ने स्पेशली से उसके लिए बनाया था। ये सब उसकी फेवरेट प्लेस थी। नौकरानी ने उसे लकड़ी के घोड़े की पीठ पर लिटा दिया और तभी उसने रोना बंद कर दिया। वंश अपने लकड़ी के घोड़े के साथ खेल रहे थे और दूसरी तरफ पिता सोफे पर लेटे हुए थे और उनके बाएं हाथ में फोटो दिख रही थी। ये कॉलेज की एक लड़की की तस्वीर थी जिसके हाथ में एक ट्रॉफी थी और एक विनर स्माइल उसके फेस पर थी। वो उसे बहुत याद कर रहा था। वो महसूस नहीं कर सका कि उसकी नफरत ने उसे इतना अंधा बना दिया कि जब वो मर गई तो उसे समझ आया कि वो उसके लिए फील करता है। ये एक फीलिंग थी जो उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना चाहती थी। जिस टाइम उसे उसके होने का पता चला, वो उससे नफरत करने लगा। वो उससे अपने दिल से नफरत करना चाहता था। इतना दूर तक आने का उनका एक ही रीजन था, उसे दर्द देना। उसने अपना हाथ बांध लिया। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसे इस बात के लिए इतना टॉर्चर करूंगा कि वो हर पल रोएगी। मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। मैं उसे इस तरह से ट्रेन करूंगा ताकि वो केवल मुझे देख सके। उसका खून उसे दर्द देने के लिए उबल रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और बड़े कदमों के साथ वो रीडिंग टेबल के पास आ गया। उसने एक ड्रॉर खोली, उसमें सिगरेट का पैकेट और लाइटर था। जब वे उसके साथ होता था तो स्मोकिंग करता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह धुएं और स्मेल को सहन नहीं कर पाती थी। वो उसे चोट पहुंचाना पसंद करता था। उस पागल लड़की को लगता था कि उसे स्मोकिंग करना पसंद है, इसलिए उसने उसे गिफ्ट में एक लाइटर दिया, हालांकि उसने कभी इसको यूज नहीं किया। उसने लाइटर को अपने दाहिने हाथ में लिया। उसे वो दिन आज भी याद है जब उसके चेहरे पर दर्द था, जब उसने उसे बताया कि वो उसकी बड़ी बहन से शादी कर रहा है। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से उसने लाइटर का ढक्कन खोला और लाइटर को बाहर निकाल दिया ताकि आग हल्की हो सके। फिर उसने फोटो को आग के ऊपर रख दिया। फोटो धीरे धीरे जलने लगी। नीली रोशनी से ये पीली लाइट तक बदल गई। थोड़ी सी पीली आग ने लड़की की पूरी बॉडी को जला दिया। उसके पास ये उसकी लास्ट फोटो थी। जैसे फोटो जल रही थी, उसकी आंखें भी गुस्से में जल रही थी। वो गुस्से में था कि उसने उससे बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया, उसकी मुट्ठी से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जब आग उसकी उंगलियों को जलाने लगी तो उसने कागज के छोटे जले हुए टुकड़े को छोड़ दिया और उसे कचरे में डाल दिया। जैसे ही वह सोफे पर बैठा, उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा, ये राहुल था। वो गुस्से में था, फिर भी उसने फोन रिसीव किया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, हाँ। उसकी ठंडी कमांडिंग आवाज से राहुल की स्पाइन में ठिठुरन दौड़ गई। उसने जल्दी से कहा, बस आपके ससुराल में कुछ हुआ है? आदमी स्टैचू की तरह बैठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी ये आवाज पहले से ज्यादा रूठ थी। असिस्टेंट राहुल उसकी आवाज सुनकर और भी ज्यादा कांप गया। बी बॉस, कुछ लोग मैडम शालिनी के पैरेंटल हाउस में घुस गए हैं।
इससे पहले कि राहुल सब कुछ समझा पाता, उसके बॉस ने बीच में रोक दिया। क्या किसी को चोट लगी है? राहुल ने जवाब दिया, कल कोई भी घर में नहीं था, इसलिए आपके ससुराल वालों को चोट नहीं पहुंची। सरप्राइज की बात यह है कि चोरी करने वालों ने महंगा कुछ भी नहीं चुराया। इसके कि उसकी आवाज फंस गई, वो श्योर नहीं था कि उसे आगे बताना चाहिए या नहीं। आज उसे जो पता चला वो उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर उसके असिस्टेंट के चुप होने से उसका बॉस नाराज हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला, सिवाय इसके क्या? अपने बॉस की टाइगर जैसी आवाज सुनकर राहुल के हाथ से फोन ऑलमोस्ट स्लिप हो गया। बी बॉस, चोर लिटिल मिस के सारे पर्सनल सामानों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी ले गए और उन्होंने उसके साथ साथ फैमिली पिक्चर्स भी ले लिए। इसके अलावा लिटिल मिस का कोई भी सामान नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे राव फैमिली कभी उसकी लाइफ में थी ही नहीं। मिस्टर एंड मिसेस राव बस अभी घर पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने अपनी कुछ फोटोज मिसिंग देखी, उन्होंने आपके तीसरे मोबाइल पर कॉल किया। मैंने उनसे झूठ कहा कि आप एक मीटिंग में हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैंने हमारे दो एजेंटों को भेजा है। सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया कि लिटिल मिस से रिलेटेड सब कुछ गायब हो गया है। उसने गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ है। उसके बॉस ने शांति से कहा, आगे बताओ। राहुल ने कहा, इससे पहले कि वे मुझे फोन करते, मैं दूसरे मैटर्स को संभाल रहा था। ये है, वो एक सेकंड के लिए रुक गया, और फिर आगे बोला, कोई लिटिल मिस के अपार्टमेंट में आया था और उनके पर्सनल सामान को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपार्टमेंट के गैस पाइप में आग लगा दी। ये एक बहुत बड़ी आग थी। फायर ब्रिगेड को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। जब तक वो पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। अब सिचुएशन स्टेबल है, हालांकि लिटिल मिस से रिलेटेड अब कुछ भी मौजूद नहीं है। और दो प्रोफेशनल स्पाइस जो आपने पर्सनली इम्प्लांट किए थे वो भी जल गए हैं। ये बहुत सस्पिशियस लग रहा है। मिस्टर शर्मा को चोरों के इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद बुरा नहीं लगा। वैसे वो अपार्टमेंट उसकी आखिरी याद था। उसने इसे अपने पैसों से खरीदा था। जब उसने सुना कि अपार्टमेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसका पूरा शरीर हिल गया। एक अनजाने डर ने उसे निगलने की कोशिश की। वो उठकर दरवाजे की ओर दौड़ा। उन्होंने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, सिविल अफेयर ऑफिस में जाओ और राव फैमिली के बारे में पता करो। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए देखो, इसे अभी करो। राहुल पहले तो झिझका, लेकिन फिर कहा, बॉस मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन मुझे लिटिल मिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसके लॉयर से भी चेक किया। लॉयर और यूनिवर्सिटी क्लर्क दोनों ने कहा कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसी ने दोनों ऑफिस से डिस्ट्रॉय कर दी है। मिस्टर शर्मा जहां थे वहीं रुक गए। वो एंट्रेंस डोर के पास थे। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका दिल किसी ने जोर से स्क्वीज कर दिया है। वो सांस नहीं ले सकता था। उसे लगा था कि सारा स्टैमिना खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने बॉस की अगली कमांड का वेट कर रहा था। उसे लिटिल मिस के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने बॉस के लिए भी परेशान था। अगर ये दोनों शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता, वो सोचने लगा। तब उसका मालिक हर समय अपना टेंपर लूज नहीं करता। पहले की तरह वो खुशी से मुस्कुराता, भले ही उनकी शादी मैडम राव से ना हुई हो, लेकिन वे कभी रूड नहीं थे। 9 महीने पहले वाले इंसिडेंट की वजह से
सब उल्टा हो गया। अगर लिटिल मिस को मारा नहीं गया होता, राहुल ने अंदर ही अंदर कहा। 9 महीने पहले जब उसका बॉस इटली से अपने परिवार के साथ आया था तो राहुल ने राहत की सांस ली, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके अपने बॉस से सारे कांटेक्ट खो गए थे। यहां तक कि दूसरे सर भी उसे नहीं ढूंढ सके थे। असिस्टेंट राहुल उस टाइम सरप्राइज हो गया था जब उसने उनके साथ लिटिल मिस को नहीं देखा था। आखिर उसने राहुल की बेटी को स्टफ डॉल देने का प्रॉमिस किया था, शायद वो कुछ समय के लिए वहां रहना चाहती थी। उसके लिए अपनी बड़ी बहन के साथ रहना इजी नहीं था, लेकिन ये सब उसकी सोच थी। मिस्टर शर्मा अपनी कार की तरफ भागे और अपनी वाइफ और बेटे को कैब लेने के लिए कहा। दूसरे सर उन्हें घर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसके बड़े भाई ने मना कर दिया और उससे कहा कि वो उसके साथ ही ऑफिस जाए। तभी राहुल अपने बॉस और बॉस के छोटे भाई के साथ जा सकता था। जैसे ही वे कार में गए, मिस्टर शर्मा ने उन्हें लिटिल मिस को ढूंढने के लिए कहा। राज और राहुल दोनों पहले सरप्राइज थे। आधे सेकंड में राज उसका नाम सुनकर अपसेट हो गया। उसने अपना मुंह घुमा दिया और राज टेंशन में आ गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं पूछा और कई कॉल करने लगे। उस समय राहुल ने सोचा, जैसा कि मैडम शालिनी रिफ्रेश दिख रही थी तो शायद मैटर उतना सीरियस नहीं है। हो सकता है लिटिल मिस बॉस के लवी डवी एक्ट को अभी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बाद में आने का फैसला किया। हालांकि जब राहुल ने राहत की सांस ली तो उसके मालिक ने कहा, हम पर हमला किया गया था, वह हर्ट हो गई और हमारे लिए भागने का रास्ता बना दिया। हे भगवान, राहुल की पूरी बॉडी शॉक से हिल गई। वह अब और सोचना नहीं चाहता था। ये उसके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। लिटिल मिस ने उसके बॉस के लिए अपनी लाइफ का सेक्रिफाइस किया। उनके आसपास के सभी लोग जानते थे कि वो उससे कितना प्यार करती थी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि उसे हर्ट कौन करना चाहेगा। राज घबरा गया जब उसने सुना कि उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी और बच्चे पर हमला किया गया है। लेकिन मिस्टर शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, केवल वही थी जो हर्ट हुई। राहुल ने राज के लिप्स पर हल्की सी स्माइल देख ली थी। ये सुनकर राहुल ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लिटिल मिस की हैप्पी स्माइल याद आती है। उसे याद आया था कि उसकी वेडिंग के दिन उसने उनके लिए एक बुके तैयार किया था, और जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उसने उसे एक सुंदर नाम दिया। वो कभी भी उसका उदास चेहरा नहीं भूल सकता था जब उसका बॉस उसे हर बार हर्ट करता था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। जब उसने उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उन्हें कुछ बुरी न्यूज मिली। उसे पता चला कि उसके परिवार में हमेशा लिटिल मिस को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो उनकी असली बेटी नहीं थी। लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि उसकी असली माँ और पिता कौन है। वो सबसे अनफॉर्चुनेट टैलेंटेड लड़की थी। लिटिल मिस, आपने बहुत सफर किया है, शांति से आराम करो। अगर तुम कभी फिर से पैदा हुई हो तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि आपको एक वंडरफुल आदमी मिले जो आपको दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बना दे। ये राहुल की लास्ट प्रेयर थी। बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसको कितना ढूंढा, राज कितनी बार इटली गया, उसका कोई पता नहीं चला।
मिस्टर शर्मा ने कुछ भी नहीं बताया। मैडम के बोलने के बाद सभी को पता चला उसके परिवार ने अच्छी एक्टिंग की और उन लोगों ने उसकी फ्यूनरल सेरेमनी भी अरेंज की। उसके बॉस वहां पर नहीं आए। उसके ससुराल वालों ने सोचा कि वो सच में उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राहुल को पता था कि अपने दिल में मिस्टर शर्मा ने कभी नहीं माना था कि वो मर चुकी थी। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि ये सच था। कुछ समय की शांति के बाद फाइनली मिस्टर शर्मा ने अपना मुंह खोला। मैं वहां आ रहा हूं। राहुल पास्ट को याद कर रहा था जब उसके बॉस ने ये कहा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसके बॉस का क्या मतलब है, लेकिन जल्दी ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कहा, बॉस अभी मैं लिटिल मिस के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर हूं। मिस्टर शर्मा ने जवाब दिया, मुझे पता है, मेरा वेट करो। फिर उसने फोन रखा और अपने हेलीकॉप्टर की ओर चला गया। राहुल ने डिसबिलीव से फोन को देखा और अपने मन में शिकायत की, बॉस 10:30 बजे है, मुझे भूख लगी है और तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, यहां तक कि तुम अपने बच्चे की परवाह नहीं करते। लेकिन मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मुझे उनकी याद आती है। अनफॉर्चुनेटली वो अपने दिल के अंदर लड़ रहा था। वो अपने बॉस के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा। जितनी जल्दी उसने सोचा उसका बॉस उतनी जल्दी पहुंच गया। जैसा कि उसने सोचा था, उसके बॉस ने मुंबई से दिल्ली आने के लिए एक हेलीकॉप्टर लिया। जब मिस्टर शर्मा अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए, उन्हें वो अपार्टमेंट एक जख्मी टाइगर की तरह लग रहा था। वो 4th फ्लोर की भारी जली हुई बालकनी को देख रहा था। वहां एक बार वो हवा को फील करने के लिए खड़ी थी। अपने असिस्टेंट को देखे बिना उसने पूछा, और जासूस? राहुल ने जवाब दिया, उनके जले हुए शरीर को पहले से ही ऑटोप्सी में ले जाया गया था, हमें जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, हालांकि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। राहुल एक पल के लिए रुक गया और कॉन्फिडेंट से कहा, बॉस उनका डेफिनेटली मर्डर किया गया है, इस मौके पर कौन सा प्रोफेशनल मर जाएगा, इसके अलावा उनमें से एक चाकू पकड़े हुए था। अगर ये क्लियर नहीं था तो राहुल के लास्ट स्टेटमेंट ने सब क्लियर कर दिया। जली हुई बिल्डिंग को देखकर मिस्टर शर्मा को अचानक लगा कि वो गरीब हो गया है, उसके पास इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था। अब जब उसका कोई सामान नहीं था तो उसे उसके हाथ खाली लगे। उसने महसूस किया कि वो सच में इस बार चली गई थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने कहा, ट्रॉफी? उसके असिस्टेंट ने उसे पकड़ लिया। क्या सचमुच बॉस ने अपना दिमाग फोड़ लिया था? क्या साइकेट्रिस्ट को बुलाने का समय है? अपने मन की बात को इग्नोर करके उसने कंफ्यूजन में पूछा, ट्रॉफी बॉस? मिस्टर शर्मा ने अपने असिस्टेंट की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा, जर्मनी में मिली ट्रॉफी का क्या? अब राहुल सच में समझ गया था कि उसके बॉस का क्या मतलब था। क्या बॉस ने मुझे दी गई तस्वीर को जलाया? उसने जवाब दिया, बॉस मैंने उसकी तलाश भी की थी लेकिन मुझे वो नहीं मिली। ये सुनकर मिस्टर शर्मा की आखिरी उम्मीद उड़ गई। उसने आसमान की ओर देखा। वो उदास था। आसमान में बादल छा रहे थे। जल्दी ही बारिश हो सकती है। ऊपर देखते हुए उसने सोचा,
देखा, तुमने मुझे सच में छोड़ दिया। तुमने एक बार कहा था कि तुम मेरा पीछा करोगी और कभी जाने नहीं दोगी। तुमने अपना वादा तोड़ा, तुमने मुझे कुछ नहीं छोड़ा। उसने अपने असिस्टेंट को देखा और कहा, चलो वापस मुंबई चले। राहुल हैरान रह गया। उसने कहा, बॉस इन्वेस्टिगेशन? से पहले कि वो खत्म कर पाता, उसके बॉस ने कहा, ये इंतजार कर सकता है और एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। फिर मिस्टर शर्मा हेलीकॉप्टर की ओर चले गए। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 9 महीने के बाद उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। मुंबई पहुंचने के बाद राहुल खुशी से अपने घर गया। वो अपने परिवार को कुछ समय के लिए कहीं दूर ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसका बॉस अपने स्टडी रूम में गया। मिस्टर शर्मा दरवाजे की ओर बढ़े जब एक मीठी आवाज ने उसे बुलाया, हनी तुम घर आ गए? मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। 2 बजे हैं, क्या तुम थक नहीं गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक बात रेडी करती हूं। वो औरत उसके करीब आई। मिस्टर शर्मा ने मुड़कर उस महिला को एक मासूम नजर से देखा। उसने सोचा, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं है। वो औरत उसके पास खड़ी थी और उसे घूरता देख वो मुस्कुराई और साथ ही पूछा, ये क्या है? क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए खाना रेडी करती हूँ। आपने डिनर किया था या नहीं? मिस्टर शर्मा घूमकर स्टडी रूम में चले गए। इससे पहले कि वो दरवाजा खोले बिना देखे, उसने कहा, जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो, वापस सो जाओ। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी टोन पोलाइट नहीं थी, लेकिन ये रूड भी नहीं थी। उस औरत ने थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, कम से कम तुम मेरी परवाह करते हो। गुड नाइट हनी। इसके बाद वो बेडरूम की ओर चल दी। मिस्टर शर्मा स्टडी में गए और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसने ये चेक किया कि उसने इसे बंद कर दिया है या नहीं। बाद में उसने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर थोड़ा कांप गया और फिर उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। वो श्योर नहीं था कि ये खुशी के लिए है या नफरत के लिए था। अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी हथेलियों को स्टील टेबल पर रखा। उसका दिल तेजी से दौड़ रहा था। अपनी जिंदगी में पहली बार वो इस अननोन फीलिंग को फील कर रहा था। 9 महीने पहले उसने एक इमोशन फील किया जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां भी जम गई हों। मिलान में उस रात उसे डर जैसा भयानक एहसास हुआ। उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। जब वह अपने परिवार के साथ सेफ जगह पर पहुंचा तो वो कांप रहा था। उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं था। अगर वो उसके साथ होती तो एक अलग कहानी होती। उस इंसिडेंट के बाद उसने कभी भी उसके नाम का यूज नहीं किया और ये देखते हुए राहुल ने उसे सिर्फ अपने बॉस के सामने एड्रेसिंग करने का अपना तरीका बदल दिया। उसके पास ऐसी बहुत सी रातें थीं जो वो सो नहीं पाया, क्योंकि हर बार जब वह सोने की कोशिश करता था तो वह उस रात के बारे में बुरे सपने देखता था, उसके खून से सने चेहरे और स्माइल के साथ। अब उसे जो फील हुआ वो उस रात के इंसिडेंट से अलग था। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या फील कर रहा है, लेकिन उसने शांत होने की कोशिश की। गहरी सांसों ने उसके शरीर और दिमाग को आराम दिया। वो काफी देर तक कमरे में घूमता रहा। उसके बाद वह इजी चेयर पर बैठा। उसने बल्ब की तरफ देखा जो रोशनी से कमरे को भर रहा था। उसने
यह भी महसूस नहीं किया कि कब उसकी निगाहें नर्म और गर्म हो गई। उसने ये भी महसूस नहीं किया कि उनके होठों पर एक छोटी मुस्कान थी। मुझे नहीं पता कि तुम अब कहां हो, लेकिन मैं ये जानता हूं अगर तुम जिंदा नहीं होती तो वो लोग तुम्हारे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत नहीं करते। उसकी छोटी मुस्कान बड़ी हो गई। मेरा वेट करो। फ्रांस, पेरिस, रेजिडेंस डू पैले डियोर। चिड़िया सुबह से चहक रही थी। सुबह के सूरज ने फ्रेंच लोगों को हाय कहा था। हर जगह मीठी हवा चल रही थी। वो बड़ा ही शानदार दिन था। जब अजय उठा तो पहली चीज उसने सूरज की रोशनी से भरा एक कमरा देखा। उसने बालकनी के दरवाजे को देखा जहां पर्दे नर्म हवा के साथ डांस कर रहे थे। फिर उसने उस लड़की को अपनी बाहों में देखा। कल रात की वाइन ने उसे नींद की अच्छी दवा दी। वह रात में बीच में नहीं उठी थी और अब तक वो सो रही थी। ये दूसरी बार था जब वह उसके पास उठा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक आदत बन जाएगी। डियर वाइफ, फिर मैं क्या करूंगा? ये सोचकर उसके लिप्स पर एक वंडरफुल स्माइल आ गई। अजय ने अपनी सुंदर उंगलियों से उसके बालों को धीरे से ब्रश किया। अंजलि का चेहरा उसके इतना करीब था कि वो उसके चेहरे की हर डिटेल को देख सकता था। उसने उसकी पतली लेकिन मोटी आईब्रो, बंद आंखें, उसकी शार्प नाक, उसके रोजी और बहुत ही सुंदर लिप्स को देखा। उसने उसके राइट गाल को छुआ और प्यार से सहलाया। अंजलि नहीं जागी, लेकिन इस सॉफ्ट टच से वह नींद में हल्के से मुस्कुरा दी। अजय सडन डेवलपमेंट से हैरान था। उसकी प्यारी सी स्माइल से उसका दिल झूलने लगा। वो जानता था कि उसके उठने से पहले उसे उठना होगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। वो इस प्यार के सपने को खत्म नहीं करना चाहता था। हालांकि उसकी बाहों में उठने के बाद उसके चेहरे को इमेजिन करके अजय ने फैसला किया कि उसे ऐसा करना ही होगा। अजय ने खुद को उसके हाथों से फ्री किया और उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। फिर वो उसे तकिए पर धीरे से सुलाता है। इस प्रोसेस ने उसकी नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अजय ने उसके अट्रैक्टिव चेहरे को देखा। बाद में उसने उसके चेहरे को नीचे किया और उसके फोरहेड पर एक मॉर्निंग किस किया। उसके बाद उसने प्यार से कहा, स्लीप टाइट माई स्लीपिंग ब्यूटी। फिर वो उठा, अपना कोट लिया, अपने जूते पहने और आखिरी बार उसे देखने के बाद उसके रूम से चला गया। जब अजय उसके रूम से बाहर चला गया तो वो नीचे गया और अपने बेडरूम में घुस गया। शावर के बाद उसने अपने कपड़े बदले। बाद में जब उसने दरवाजा खोला और देखा तो हेड कुक श्याम उसके रूम के बाहर खड़े थे। कुक श्याम ने झुक कर कहा, गुड मॉर्निंग सर। अजय ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग टू यू टू। फिर वो कुक के पास से नीचे चला गया। उसने 66 साल के कुक श्याम की हैरान करने वाले एक्सप्रेशन को नहीं देखा। कुक श्याम स्टंट थे कि वो मौके पर मौजूद थे। उनके दिमाग में एक रिकॉर्डर की तरह अजय के वर्ड्स गुड मॉर्निंग टू यू टू बज रहे थे। ये उनकी लाइफ में पहली बार था जब कुक श्याम ने अजय को किसी को गुड मॉर्निंग टू यू टू कहते सुना। अजय ने हमेशा या
मॉर्निंग के साथ जवाब दिया, जब तक कि ये मैडम वहां पर नहीं आई थी। उन्होंने कभी किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ना ही गुड मॉर्निंग टू यू टू। कुक श्याम के हैरानी से बाहर होने के बाद उनका दिमाग फिर से काम करने लगा। ध्यान से सोचने पर उन्हें शक हो गया। कुक श्याम अपने सर के कमरे के अंदर गया और जब उसने साफ बेड देखा, जिसे थोड़ा सा भी नहीं छुआ था, तो उसका दिल लगभग उड़ गया। उसे कल रात का एहसास हुआ कि मैडम को उसके कमरे में ले जाने के बाद उसके सर अपने कमरे में वापस नहीं आए थे। शायद वो उसके साथ सो भी सकते हैं। हालांकि कुक श्याम जानता था कि एक आदमी और औरत का एक साथ सोना एक कॉमन बात थी जो शादी करने वाले थे, लेकिन वो यहां अजय के बारे में सोच रहा था। ये अजय था जिसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। इसके अलावा अजय ने हमेशा अपने कोल्ड एटीट्यूड से दूसरों को परेशान किया था। हालांकि कुक श्याम ने देखा, मैडम के जागने के बाद उसके सर काफी बदल गए थे। कुक श्याम ने अपने सर को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। वो खुश महसूस कर रहा था और नर्वस भी। श्याम ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा। कभी कभी उस तरह की अचानक होने वाली बातें उसके दिल के लिए अच्छी नहीं थी। कुक श्याम ने एक गहरी सांस ली और फिर रूम से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अजय कभी भी खाने का शौकीन नहीं था, वो सब कुछ खाने का आदी था। आज भी कोई अलग बात नहीं थी, उसने वो सब कुछ खा लिया जो उसके लिए तैयार किया गया था। वो बस अच्छे मूड में दिख रहा था। जब हेड कुक डाइनिंग रूम में चले गए तो वो इस सीन को देखकर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने देखा उनके सर बिना किसी शोर के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नौकरानी और कुक जो उनके पीछे खड़े थे, सच में उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अजय बाहर चला गया और फिर कुक श्याम ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या सर ने आपसे कुछ कहा है? नौकरानी और कुक ने नजरें मिलाई और उसके बाद अपना सिर हिलाया। कुक ने कुछ हिम्मत जुटाई और फिर कहा, अंकल श्याम, आज सर ने सभी को जवाब दिया गुड मॉर्निंग टू यू टू। इस वजह से हम डर गए थे, क्या ये सच में हमारे सर हैं? और अगर वो वही हैं तो क्या उनके साथ कुछ हुआ है? उनकी चिंता देखकर कुक श्याम थोड़ा मुस्कुराया। बाद में उन्होंने कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सर खुश मूड में हैं। नौकरानी और कुक पहले कंफ्यूज लग रहे थे, तब नौकरानी अचानक एक्साइटेड हो गई। ये पिछली रात की डेट की वजह से हुआ है, ये एक सक्सेसफुल डेट रही होगी। उसके पास खड़े दूसरे कुक ने भी उसकी बात को पकड़ लिया और सिर हिलाया। कुक श्याम ने उनके सपने को तोड़ दिया, बहुत बात कर ली, अपने काम पर वापस जाओ। सब अपने कामों में बिजी होने के बाद 66 साल के कुक ने हेल्पलेस होकर अपने दिल में शिकायत की। देखो सर, तुम्हारे इस अचानक प्यार को देखकर मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है। अजय अपने कमरे में गया और श्याम को देखा। वो ऑफिस के लिए एक सेट रेडी कर रहा था। उसने अपने कपड़े बदले और नीचे आया। उसने देखा कि उसका असिस्टेंट प्रेम उसका वेट कर रहा है। उन्होंने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोला। जैसे कि बाकी कुक और नौकरानी प्रेम से सरप्राइज थे, उसने सोचा, क्या आज अर्थ खत्म हो रही है, क्या आज एंड है?
घबरा कर उसने हेड कुक की तरफ देखा। कुक श्याम ने उसे अश्योर करने वाला संकेत दिया। प्रेम कंफ्यूज था। क्या रोमांटिक डेट ने बॉस को ऐसा बना दिया? उसने सोचा। वो अब अपने बॉस को नहीं देख सकता है। प्रेम अपने बॉस के प्रेशर के हिसाब से खड़ा हो सकता है। हालांकि उसके लिए मुश्किल था कि वो अपने बॉस की वाइफ को देख सके जो वो दे रहा था। पूरा लिविंग रूम स्प्रिंग में था। अपनी इमेजिनेशन स्किल के साथ वो अपने बॉस के चारों ओर स्प्रिंग फ्लावर देख सकता था। प्रेम ने अंदर रोते हुए कहा, बॉस अब इस सिंगल आदमी को टॉर्चर मत करो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। जबकि हर कोई जो अजय के आसपास था उन पर टॉर्चर हो रहा था, अजय ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और स्लीपिंग ब्यूटी जो उसका मेन रीजन थी, आराम से सो रही थी। अजय उसके सुंदर चेहरे को देखने और जाने से पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहता था, इसलिए उसने प्रेम को भी अपने साथ वेट कराया। प्रेम बड़ी मुश्किल में था। पहला, उसके बॉस की स्प्रिंग वाइब्स बहुत हैवी थी। दूसरा, ऑफिस में एक मीटिंग थी और उनकी राइवल कंपनी के बारे में थी, लेकिन उसके बॉस ने जल्दी चलने का कोई इशारा नहीं दिया। वो कंफ्यूज्ड था। ना तो वो अपने बॉस को ऑफिस जाने के लिए कह सकता था और ना ही इस सिचुएशन में अपने लिए कोई स्टैंड ले सकता था। इसके अलावा एक मीटिंग 10 बजे की थी, यहां पहले से ही 10:30 बज गए थे। कुक सिंह को उससे सिंपथी थी, इसलिए उन्होंने स्पेशली प्रेम के साथ मिंट की चाय बनाई। वो ये सब एक कुक के रूप में कर सकता था। मिंट की चाय पीते हुए प्रेम का दिमाग फ्रेश हो गया। वो अपने बॉस के पास शांति से बैठा था, जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे जहां उनके सिग्नेचर की जरूरत थी। हर पेपर असिस्टेंट नहीं हैंडल कर सकता था। अचानक अजय ने पूछा, निशा मेहरा न्यूयॉर्क कब पहुंची? उसने निशा के बारे में नहीं पूछा। क्या वह हवेली छोड़कर गई, एयरपोर्ट गई थी? क्योंकि जब निशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अजय ने केवल उसकी जर्नी के बारे में पूछा, क्योंकि एक वही था जिसने उसे हायर किया था। प्रेम ने जवाब दिया, वो 9 बजे न्यूयॉर्क पहुंची, वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। अजय ने जल्दी ही जवाब दिया। प्रेम ने अंदर की ओर राहत की सांस ली और सोचा, ये मेरा असली बॉस है। लगभग 10:30 के आसपास उन्होंने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। आवाज को पहचानते हुए अजय ने अपनी बाईं ओर देखा तो उसे अपनी प्यारी स्लीपिंग ब्यूटी दिखी। अंजलि ने एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अज्जू। ये प्रेम के लिए पहली बार था जब उसके बॉस को किसी ने अज्जू कहा था। वो शॉक्ड हो गया और जोर से खांस दिया। उसने सॉरी कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह से निकली नहीं और वो जल्दी से उस कंफ्यूज कपल को अकेला छोड़ के चला गया। अंजलि को उसके लिए बुरा लगा। क्या वो ठीक है? वो बहुत अच्छी तरह से गेस कर सकती थी कि प्रेम ने ऐसा क्यों किया। सारी चीजें अजय की तरफ इशारा कर रही थी। अजय अंदर ही अंदर थोड़ा नाराज हुआ। वो अंजलि और उसके बीच के अच्छे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेम पे गुस्सा था। हालांकि उसने अपने सेक्सी होठों में एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे देखा और कहा, गुड मॉर्निंग टू यू टू। उसकी चिंता मत करो, क्या तुमने किया है? वो खड़ा हुआ और
उसके पास चला गया। अंजलि ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं किया। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं आपसे गुड मॉर्निंग कहना चाहती थी और मैं आपको कल रात के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। उसके ग्लोइंग फेस ने अजय का दिल पिघला दिया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर कहा, ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद तुम जय के साथ कहीं भी जा सकती हो। मैं काम पर जा रहा हूं, जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूं तो अपना ध्यान रखना। अंजलि ने सिर हिलाया, मैं रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखें। फिर उसने वॉल क्लॉक को देखा और अजय से पूछा, क्या आप 10 बजे नहीं जाते? आप अभी भी घर पर क्यों हैं? अजय अब उसे ये नहीं बताएगा कि वो असल में उसके चेहरे को देखना चाहता था और उससे गुड मॉर्निंग अज्जू सुनना चाहता था, इसलिए उसने चिढ़ाने वाली टोन में पूछा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं घर पर रहूं? अंजलि उसका क्वेश्चन सुनकर भड़क गई, नो नो नो, ये आपका घर है, आपका ऑफिस है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही पूछा, मुझे जाना चाहिए और अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। Have a good day। उसने 15 सेकंड में सेंटेंस कंप्लीट किया और जल्दी से वहां से चली गई। अजय दिल से मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उसका सवाल सुनकर थोड़ी सकपका गई थी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि वो घर पर रुककर उसका वेट कर रहे थे। फिर वो बाहर चला गया और उसने देखा कि प्रेम पानी पी रहा था। उसके पास निकलते समय अजय ने कहा, लेट्स गो। इसके बाद वो कार में चला गया। प्रेम को बहुत गुस्सा आया जब उसे ये समझ आया कि मिसेस जिंदल की वजह से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग टेम्पररी कैंसिल हो गई। उसने गहरी सांस ली और कार की तरफ चला गया। अंजलि ने जल्दी अपना ब्रेकफास्ट किया। वह ब्रेकफास्ट करते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देख रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद कुक श्याम ने उससे पूछा, मैडम आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करना था? उसने पोलाइटली पूछा। मुझे स्टडी के लिए लेट हो रहा है। अंजलि ने फिर से क्लॉक की तरफ देखा। उसके जवाब को सुनकर वो उलझन में पड़ गया। वो तो 5 दिन के बाद स्कूल ज्वाइन करने वाली थी ना। वो सोचने लगे। कुछ देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आए। अंजलि ने जवाब दिया, वो बात नहीं है, मैं बिब्लियोथेक नेशनल डिफ्रांस जा रही हूँ, वो ऑलरेडी ओपन हो गई है। अगर मैं इतना लेट नहीं जगती तो मैं वहां जल्दी चली जाती, जिससे मैं बहुत कुछ पढ़ लेती। हेड कुक वो कार को देखकर हैरान हो गया था। उसे उसके कैरेक्टर के बारे में क्लू मिल गया था। वो एक पढ़ाकू है। वो ये देखकर भी सरप्राइज था कि वो इतनी जल्दी में थी, फिर भी उसमें प्रॉपर टेबल मैनर्स हैं। वो उसके कैरेक्टर से अभी तक खुश था। वो एक माइल्ड बिहेवियर रखती है, कुछ भी करने से पहले सोचती है। उसे स्टडी और पेंटिंग करना पसंद है, जबकि वो जिंदल मेंशन की मालकिन बनने वाली है। फिर भी उसे इस बात का कोई घमंड नहीं है। घर के सर्वेंट से भी बुरा बिहेव नहीं करती है। इसके अलावा वो शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती। वो सिटी में भी कहीं नहीं घूमती है। वो सिर्फ अपनी लाइफ बुक्स के साथ एंजॉय करना चाहती है। कुक श्याम ने उसे एडमायर करना शुरू कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वो अंजलि से कहता है, मैडम प्लीज आप थोड़ा रेस्ट करें, मैं आपकी कार रेडी करवाता हूं और आपके बॉडीगार्ड को इस मैटर के बारे में बताता हूं। अंजलि ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अपने मुंह को क्लीन किया। उसके बाद उसने कुक को ग्रेटफुल होकर कहा, थैंक यू अंकल। कुक श्याम हैरानी में थे जिस तरह से उसने उन्हें अंकल कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर की मालकिन उन्हें अंकल कहेगी। ये वैसा ही था जब अजय बच्चा था, वो भी उन्हें ऐसे ही बोलता था।
बाद में उन्हें पता चला कि अंजलि ने उसकी मेड सपना से पूछा था कि वो हेड कुक को क्या बुलाते हैं। अजय कल से भी जल्दी घर आ गया। वो अंजलि के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो जल्दी एंट्रेंस पर पहुंच गया। उसने हेड कुक से पूछा, कहाँ है वो? हेड कुक बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें पिछले कुछ दिनों में स्मार्ट बना दिया था। वो जानते थे कि उनके सर जल्दी घर क्यों आते हैं। उन्होंने पोलाइटली रिप्लाई किया, मैडम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद नेशनल लाइब्रेरी गई हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ। उसके बाद से उन्होंने घर पे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। अजय सरप्राइज नहीं हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और अपने रूम में चला गया। वो फ्रेश हुआ और अपने बेड पर बैठ गया, जिसे उसने लास्ट दो दिन से यूज नहीं किया था। उसने अपना फोन उठाया और अंजलि को कॉल किया। उसका फोन रिंग बट वो रिसीव नहीं कर रही थी। उसके बाद उसने जय को कॉल किया। दूसरी रिंग के बाद जय ने कॉल रिसीव किया। बॉस, अजय ने जय की थकी हुई आवाज सुनी। उसे पता था कि जय को बुक्स नहीं पसंद है और ये उसके लिए टॉर्चर था। अजय इतना बुरा नहीं था जितना वो बनता था। उसने जय को ऑर्डर दिया, उससे कहो मुझे कॉल करे। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। एक मिनट बाद अजय का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, उस पर लिखा था माय डियर वाइफ। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। कितना टाइम? उसने पूछा। अंजलि की आवाज में सॉरी था। अज्जू, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने कॉल किया था, मैं टाइम ही भूल गई। अगर तुम चाहते हो तो हम अभी घर आ रहे। वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। अजय को गुस्सा आता है। वो पूछता है, क्या तुमने लंच किया? कुछ देर की शांति के बाद वो गिल्टी टोन में जवाब देती है, नहीं। उसकी आवाज बुझी हुई लग रही थी। अजय की टोन में गुस्सा होता है, तुमने प्रॉमिस किया था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो खुद का ध्यान रखेगी जब वो उसके साथ नहीं होगा। उसकी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देने पर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने कभी उससे इस तरह की टोन में बात नहीं की है। उसने सांस ली और कहा, मेरा वेट करो, हम आज रात का डिनर बाहर करेंगे। उसकी नॉर्मल टोन ने अंजलि का मूड भी हल्का कर दिया। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, ओके। उसके बाद